देश और दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए बने रहिए खबर समय जगत के साथ। नमस्कार, मैं मोहनलाल मोदी समय जगत से। आज हम चर्चा करेंगे राफेल डील पर। जैसा कि हम देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया, हर जगह एक ही चर्चा है, राफेल डील। कांग्रेस की बात करें, भाजपा की बात करें, एक ही मुद्दा है, राफेल डील। ये राफेल डील नहीं हो गया, एक ऐसा हो गया जैसे कहीं विश्वनाथ प्रताप सिंह का शासन में जैसे एक बोफोर्स तोप का जो कांड निकल के आया था और बाद में उसका क्या हुआ वो अपन बाद में देखेंगे। ये मुद्दा इतना ज्यादा, बाद में क्यों देखेंगे, अभी देखें, मतलब बाद में कैसे देखेंगे? पप्पू जी एक मिनट, अभी मैं इंट्रोड्यूस कर लूं। अच्छा, आपको ठीक है। हाँ, ये भी जो कैरेक्टर हमारे बीच आए थे, कैरेक्टर है ये है पप्पू जी, मतलब कैरेक्टर है हम। एक मिनट मैं आपको, मैं अपनी बात कह लूं। ये पप्पू शुक्ला जी हैं, ये पप्पू शुक्ला जी हैं। ये इंक और ड्रिंक के बीच में इनका एक अजीब सा कैरेक्टर है, कब ड्रिंक का कैरेक्टर निकलता है, कब इंक का निकलेगा, ये आप अभी देखेंगे। और मैं राफेल डील में, ये नहीं समझ पा रहे आप हमारी तारीफ कर रहे हैं कि आप हमारी तारीफ नहीं कर रहे हैं। नहीं, मैं वो कह रहा हूँ जो आप हैं। मैं अच्छा, आप सच बोल रहे हैं। हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ। तो हम यहाँ सच्ची बात करने बैठे हुए हैं, हम चाहते हैं। ठीक है, फिर आज हम भी सच बोलेंगे। हाँ, आप, हम ये अपेक्षा करेंगे आज हम पप्पू शुक्ला अपनी स्टाइल में ये बताएंगे कि राफेल डील है क्या, एक इस भाषा में जो एक ठेले वाला, एक पॉलिश करने वाला, एक सब्जी बेचने वाला समझ पाए ये राफेल डील है क्या। तो पप्पू शुक्ला जी ये बताएंगे राफेल डील ये क्या बना है ये। जी सबसे पहला तो मेरा प्रश्न ये, किसके पक्ष में बोलना है, भाजपा के पक्ष में बोलना है कि कांग्रेस के पक्ष में बोलना है? नहीं, हम यहाँ किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ मीडिया वाले हैं। अरे तो मीडिया तो पक्ष की ही बात कर रहा है। नहीं, मीडिया का, अरे एक मीडिया किसी एक की गोदी में बैठा हुआ है, दूसरा मीडिया किसी दूसरे की गोदी में बैठा हुआ है, तीसरा मीडिया आप मुझे बता दो, या आप ये बताओ कि आप वो तीसरा मीडिया बनने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, हम तो जो है स्वतः है ही, हमें तीसरा नहीं बनना है, नाम दूसरे हैं, नाम पहले हैं, हम मीडिया हैं और हमारे हिसाब से मीडिया वो है जो मीडिया को होना चाहिए। अच्छा, तो आपके अखबार के मालिक को कल फोन आ गया कि मोदी जी को हटाइए। हाँ, तो क्या करेंगे आप? कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर ठीक है, सब्जी बेचेंगे। हाँ, यहाँ तो तैयार है, इसलिए मैं आपसे पूरी ईमानदारी से अपेक्षा करूंगा पप्पू जी अपनी स्टाइल में, जिसके लिए आप विख्यात हैं, कि राफेल डील है क्या, पहले इस पे आए। तो ठीक है साहब, राफेल डील पे आते हैं। राफेल डील लेटेस्ट में अभी हमारे नाम से जाने जाते हैं माननीय राहुल गांधी जी। अच्छा, ठीक, उन्होंने अभी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करा। बिल्कुल। और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करा, इसलिए क्योंकि फ्रांस के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं जी, जिनके साथ भारत के मौजूदा प्रधानमंत्री के साथ डील साइन हुई, बिल्कुल ठीक, उन्होंने एक मुद्दे के ऊपर एक ऐसा स्टेटमेंट दे दिया। हाँ। कि जिसके कारण ऑपोजिशन और राहुल गांधी जी को काफी ताकत मिली। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने ये कहा कि हमारे डील को करते वक्त जो हमें इंटरलोक्यूटर मिला था, ठीक है, हमने उसके साथ काम किया। मतलब आप ये कह रहे हैं कि मुझसे ये कहा गया कि मैं रिलायंस ग्रुप को ये हाँ, काम दे दूं। हाँ, ये सरकार ने कहा, भारत की ने, भाई उन्होंने कहा कि हमसे कहा गया कि आप इनके साथ जो है डीलिंग करिए, हमने उनके साथ डीलिंग करनी शुरू कर दी। अच्छा, हमने किसी को चूज नहीं किया। अच्छा, तो पसंद, मतलब ये जो नाम आ रहा है रिलायंस ग्रुप का, हाँ, ये पसंद फ्रांस की नहीं है, फ्रांस की नहीं है, ये पसंद भारत की है। अब इसका अर्थ तो यही निकल करके आ रहा है कि अगर उन्होंने नहीं चूज किया है, अच्छा, तो प्रपोज कहीं से किया गया होगा। तो कहने का मतलब यह है कि राहुल गांधी जी ने उसमें फिर स्टेटमेंट में ये कह दिया कि जो ओलान कह रहे हैं फ्रांस के एक्स प्रेसिडेंट, हाँ, बिल्कुल ठीक, उसका अर्थ ये निकाला जा सकता है कि वो ये कह रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री इज अ थीफ, कोट अनकोट। तो लेकिन अभी अभी हम कल सुन रहे थे टीवी पे, जो अरुण जेटली साहब है वित्त मंत्री हमारे, वो कह रहे थे कि राहुल गांधी बोले कि कल एक बड़ा, कल मजा आएगा मीडिया में, कल एक बड़ा विस्फोट होगा मीडिया में, और दूसरे दिन जो फॉर्मर राष्ट्रपति हैं वहां के फ्रांस के, वो मीडिया पे आ गए। हाँ, तो फिर ये क्या है? हाँ, तो ये विस्फोट उधर हो गया। ये कहाँ हुआ ये विस्फोट? ये विस्फोट भाजपा के ऊपर हो गया या मौजूदा गवर्नमेंट के ऊपर हो गया? नहीं, लेकिन नहीं,
जेटली साहब के साथ से विस्फोट तो कम्युनिस्ट में हो गया ये। कैसे? ऐसे जैसे राहुल गांधी ने कहा कल विस्फोट होने वाला है, यही राहुल गांधी को मालूम था कि कल फ्रांस के फॉर्मर जो राष्ट्रपति है वो आने वाले हैं और वो ये कहने वाले हैं कि जो कुछ किया है भारत सरकार ने किया। तो ये ऐसा तो नहीं है कहीं। जो राहुल कहना चाह रहे थे कि डील भारत सरकार और अलायंस के बीच है, वो डील ऐसा तो नहीं है कहीं, चपाली पी लो आप, वो डील कहीं ऐसी तो नहीं है कि राहुल और नहीं। ये तो हम फिर वही आरोप प्रत्यारोप में जा रहे हैं। अच्छा, अपन वहां नहीं जाए, अपन राफेल पे आ जाए। हाँ चलिए, राफेल बताइए, राफेल क्या? अब एक्चुअली अब राहुल को पता था कि नहीं पता था कि ओलांद आ रहे हैं, ये पता था कि नहीं पता था कि उनको उनसे प्रश्न पूछा जाएगा, और उस प्रश्न का जवाब वो पहले से सोच के आए थे नहीं आए थे। अब इसके बारे में तो हम और आप यहाँ बैठ करके हम कैसे अनुमान लगा लेंगे? हाँ राहुल जी, वो तो उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। लेकिन मोटा मोटा मुद्दा ये है कि राहुल गांधी जी ने मौजूदा प्रधानमंत्री को चोर की संज्ञा दी। हाँ ये बात तो सही, ठीक है, और ये बड़ी बात है, बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अब हम जैसे लोग जो कि मोदी जी को पसंद करते हैं, हमें ये बात पसंद नहीं आएगी। अच्छा, आपको नहीं आएगी पसंद? नहीं, हमको कोई प्रधानमंत्री कोई भी हो यार, भारत का प्रधानमंत्री है, बिल्कुल ठीक, आप उसको चोर उचक्का थोड़ी बोलते बैठे रहेंगे। अच्छा, मर्यादा तो रखनी पड़ेगी, बिल्कुल ठीक। पर अगर हम पलट के देखें तो 2016 में पीछे ही, अच्छा, अर्णब गोस्वामी नाम के एक बहुत बड़े पत्रकार हैं, बिल्कुल है, उन्होंने एक अचानक से पूरा कार्यक्रम चलाया जिसमें जो है ऑगस्टा वेस्टलैंड का एक कांड हुआ था। हाँ, हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर का, बिल्कुल, जिसमें ये कहा गया कि एक कुछ खास कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर के स्पेसिफिकेशंस को चेंज किया गया। हाँ, आया। और वो चेंज करने में एयरफोर्स के जो चीफ थे उस वक्त, उनको उनके परिवार के माध्यम से उनको कुछ पैसे दिए गए। अच्छा, अब ये चला, ये आरोप प्रत्यारोप लगे, किसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा? सरकार पर। सरकार तो भाजपा की थी उस वक्त 2016 में। हाँ, बात तो वही है ना, है ना, लेकिन हाँ। उससे पहले जो सरकार थी यूपीए की, हाँ, यानी कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी के परिवार के ऊपर प्रश्न उठा, हाँ। उनके सरकार के ऊपर डॉक्टर मनमोहन सिंह के ऊपर बिल्कुल आया प्रश्न उठा। मजे की बात यह है कि दो साल पहले 2014 में ऑगस्टा वेस्टलैंड केस, मामला क्या था, वो पूरा एक केस चला इटली में। 2014 में मेरे ख्याल से उस केस में पूरा ये निराकरण हुआ कि इसमें कोई ब्राइबरी या करप्शन जैसा मामला नहीं था। मतलब टाइटाइफिस हो गया, ठीक है। तो जब 2014 में टाइटाइफिस हो गया तो 2016 में वो मुद्दा टीवी पे, अच्छा, किसने उठवाया होगा? हाँ। सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने तो नहीं उठवाया होगा, बिल्कुल ठीक। उससे पहले बोफोर्स की बात आपने करी ही, हाँ बिल्कुल ठीक। बोफोर्स डील 64 करोड़ रुपए का डील था, बिल्कुल ठीक। उसमें ये कहा गया कि आपको कमीशन किसी न किसी को मिला है, राहुल गांधी की सरकार चली गई। हाँ। उसके ऊपर राजीव जी की सरकार थी। हाँ, राजीव गांधी जी की सरकार थी, वो चली गई वो फोर्स में। अच्छा, वो भी बाद में टाइटाइफिस, और वो भी बाद में टाइट, कुछ निकला नहीं उसमें। कहने का मतलब ये है कि चाहे आज की सरकार, हाँ, चाहे उससे पहले की सरकार, बिल्कुल ठीक। हाँ, दो तो अपन ने गिनाई नहीं, आप दो तो है ही है। हाँ, राफेल डील की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि, हाँ, ये भाजपा के पहले सरकार में मामला शुरू हो रहा है, बिल्कुल ठीक। 10 साल यूपीए की सरकार रही, उसमें ये चला है, ठीक है, और आज वापस से भाजपा सरकार में ये मामला उठ करके खड़ा हो गया है। प्रश्न यहाँ ये है, क्या राफेल भाजपा का बोफोर्स तो नहीं होने वाला है, चुनाव? हाँ, आने वाला है, बात सही लग रहा है पीछे, क्या चुनाव आ गया तो है। राजनैतिक तौर पे तो गर्मा गर्मी ये है। अब आ जाते हैं जरा मुद्दे पे कि राफेल मुद्दा असल में क्या है, क्या है? याद होगा आपको पहल का मामला, हाँ, एक उठा था 2001 में, तेजी से उठा, तेजी से बैठा और संपादन बाद में अन्य धाराओं में उलझा दिए गए। मामला क्या था? एक स्टिंग ऑपरेशन किया गया, हाँ बिल्कुल ठीक, जिसमें भाजपा की सरकार थी उस पर, हाँ, बंगारू लक्ष्मण जी थे, हाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वो, हाँ, और तो बड़ा कांड था वो, और मैडम जेटली थी, हाँ, जया, मैडम जया जेटली जी थी, जिनको कि माना जाता था कि वो जॉर्ज फर्नांडिस जो कि उस वक्त, हाँ, डिफेंस मिनिस्टर थे, उनके करीब थी, संयोजक, उनको संयोजक होते थे अप्रत्यक्ष रूप से। उसमें ये मामला उठा, वो स्टिंग ऑपरेशन में ये था कि कुछ पैसों के लेन देन की बात हो रही थी किसी को फायदा पहुंचाने के लिए, बिल्कुल
हुई। अब ये मामला सरगर्मी पे ही था, अचानक से प्लानिंग के बाद इंडियन एयरफोर्स ने एक रिक्वेस्ट जारी की डिफेंस मिनिस्ट्री को। अच्छा, कि भाई साहब मौजूदा स्थिति में जो हमारे एयरफोर्स के जो स्क्वाड्रन्स हैं उसमें जो हमारे हवाई जहाज हैं, मिराज, MiG-21, MiG-27, ये जहाज आने वाले समय में रिटायर होंगे और हमारा पूर्वी क्षेत्र चाइना की वजह से और पश्चिमी क्षेत्र पाकिस्तान की वजह से, अगर आने वाले समय में खुदा न खास्ता ऐसा होता है कि लड़ाई दोनों से एक साथ अगर करने की जरूरत पड़ गई तो क्या इंडियन एयरफोर्स उस चीज के लिए तैयार है? उसको तैयार करने के लिए हमें कम से कम 126 फाइटर एयरक्राफ्ट चाहिए होंगे, ताकि जैसे जैसे ये हमारे पुराने विमान रिटायर हो तो ये उनको ले लें, उनकी जगह सप्लीमेंट कर दें और हमारे थोड़े से स्क्वाड्रन्स और बढ़ जाए। यहां से मामला शुरू होगा। ऐसा जब ये रिक्वेस्ट पहुंचा तो जॉर्ज फर्नांडिस ने, उस वक्त डिफेंस मिनिस्ट्री मिनिस्टर थे, लोगों का कहना है पप्पू शुक्ला तो डिफेंस मिनिस्ट्री में गया नहीं है कभी। हाँ, बिल्कुल ठीक सही है। अब इंक, आपने बात करी इंक के माध्यम से जो लिखा पढ़ा जो सुना उसके हिसाब से हम एक अनुमान भी लगा रहे हैं। हाँ। कि डिफेंस मिनिस्टर साहब ने कहा होगा यार मत करो ऐसे, क्योंकि एयरफोर्स का प्रपोजल था कि मिराज प्लेन्स बहुत अच्छे हैं। अच्छा। पूरे का पूरे मिराज खरीद लेते हैं उठा करके जितने हैं। अच्छा, तो डिफेंस मिनिस्टर साहब ने कहा देखो अभी अभी मामला बहुत गर्माया हुआ है यार, आप बोलोगे मिराज के सारे प्लेन्स एक साथ खरीद लो, कल को ये क्वेश्चन उठ जाएगा ये कि आपने कुछ ना कुछ इस पे घपला करा है, आपने कोई ना कोई सेटिंग कर ली है, ऐसे नहीं खरीद सकते। हाँ, बंगाल लपेटे में आएगा या मैं भी लपेटे में, मैं अब अलग से लपेटे में आई जाऊंगा क्योंकि दिक्कत हो जाएगी। मतलब ये आप सोच रहे हैं ऐसा हुआ होगा? हाँ, और मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हुआ। अच्छा, ऐसा मतलब और कोई वजह नहीं है कुछ और होने की। तो उसमें ये हुआ कि चलिए भाई ठीक है, एयरफोर्स एक टेंडर निकालेगी। ठीक है, और टेंडर निकालने के लिए MMRCA एयरक्राफ्ट कॉम्बैट एरोप्लेन्स मीडियम ऐसे करके MMRCA करके एक पॉलिसी बनाई गई कि जिसमें इंटरनेशनल एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग मार्केट में इंडियन एयरफोर्स एक टेंडर जारी करेगा, उसमें जितने भी प्लेन बनाने वाली कंपनीज हैं वो उस टेंडर में पार्टिसिपेट करेंगी और ये कार्यवाही आगे चलेगी। अभी साहब हो गया। हाँ। 2004 तक आते आते टेंडर वेंडर निकलना, लोगों का पार्टिसिपेशन होना। हाँ। और ये सब चलता रहा। इस बीच में सरकार चली गई, नई सरकार आ गई। अब नई सरकार आई तो ये मामला तो भाजपा और कांग्रेस का तो है नहीं, ये तो मामला इंडियन एयरफोर्स का है। बिल्कुल ठीक है, सही है। तो जब इंडियन एयरफोर्स का है तो जब ये मामला फाइल जब नई सरकार के पास आई तो उन्होंने कहा भाई ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक काम करिए, जो ड्यू प्रोसेस है उसको हिसाब से आप जो है चलाइए। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स ने अपना प्रोसेस आगे बढ़ाया, 6 कंपनीज के टेंडर उनके पास बिडिंग आई। ठीक है, उन 6 कंपनीज की बिडिंग वगैरह होने के बाद टेस्टिंग वेस्टिंग, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स जो है वो प्लेन्स को अलग अलग माहौल पे हिली एरियाज में नॉन हिली एरियाज में कितना लंबा कितना मैनूवर कैपेबिलिटी कैसी है ये सारी चीजों को देखते हुए वो चूज करती है। 6 में से 2 कंपनीज इंडियन एयरफोर्स ने कहा कि भैया ये 2 कंपनी हमारे को उचित लग रही है, क्योंकि क्योंकि उनके दोनों प्लेन्स हमारे को अच्छे लग रहे हैं, एक टाइफून है और एक राफेल, ये प्लेन्स के नाम। ठीक, अब मामला डिफेंस मिनिस्ट्री पे आ गया क्योंकि एयरफोर्स ने कह दिया कि इन दोनों में से कोई भी खरीद करके हमको दे दो, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको चलाएंगे उड़ाएंगे। ठीक है, डिफेंस मिनिस्ट्री ने दोनों में से कंपैरेटिवली दाम कम राफेल का होने की वजह से इन्होंने कहा कि ठीक है भाई हम राफेल के ऊपर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, कम कीमत कम होने से। हाँ, कम कीमत होने क्योंकि L1 था, लोएस्ट बिडर होने की वजह से आपने उसको उठा ली। अब उसके बाद इधर नेगोशिएशन चलना शुरू हुआ। ठीक, डिफेंस मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और फ्रांस के बीच में, और इधर एयरफोर्स ने अपनी डिटेल्ड टेक्निकल टेस्टिंग शुरू करी। ठीक है,
2007 में जाकर के ये मामला फाइनल हुआ कि ये दो कंपनीज हैं। 2007 के बाद 4 साल तक ये मामला इंडियन एयरफोर्स के पास ही रहा क्योंकि वो टेस्टिंग कर रहे थे। अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ये चीज नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज सच इसमें अभी इन्वॉल्व नहीं है। अच्छा। वो बैकएंड पे ही है। अच्छा। सारा कुछ अभी इंडियन एयरफोर्स ही कर रहा है। अच्छा। बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा है कि यूपीए के टाइम में इतना टाइम लगा। भाई साहब, जिस तरीके से शुरू होता है किसी का भी टाइम आ जाए इतना ही टाइम लगेगा। अच्छा। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उससे कोई लेना देना नहीं। तो गवर्नमेंट कब आई इसमें? गवर्नमेंट आई 2012। अच्छा, 2012 में जब जाने का समय नजदीक आ रहा था। हाँ, है ना। तो 2012 में गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व हो रही है क्योंकि फाइनल हो गया कि अब भैया डसॉल्ट के साथ ही हम राफेल इसको फाइनल करेंगे। अच्छा। और उसमें ये टेक्निकलिटीज ये आ गई कि हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे। अच्छा, वो बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। उस टेक्नोलॉजी को आयात करेंगे एक प्रकार से। हाँ, तो उसमें जो 126 एयरक्राफ्ट हाँ जो लेने थे, हाँ हाँ, उस 126 में से 18 ऑफ द शेल्फ आ जाएंगे उड़ने की कैपेबिलिटी वाले। ठीक है। और बाकी 108 हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के माध्यम से हिंदुस्तान में बनाई जाएंगे ताकि हिंदुस्तान के पास बनाने की कैपेबिलिटी टेक्निक भी आए और वो उसमें सक्षम भी बने। बिल्कुल। और ये कब हो गया? यूपी सरकार के टाइम पे हो गया। हाँ, ये 2012 तक ये सारा का सारा मामला हो गया, फाइनल हो गया। और उसके बाद जो माइनर टेक्निकलिटीज हैं उसके ऊपर, स्पेयर्स वेयर्स कैसे होगा, क्या होगा, हाँ, आप कितना हमें सर्विसिंग करोगे, हमारी हाँ, क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, आप आकर के हमारी फैसिलिटीज को देख लीजिए, आपके हिसाब से हमारा जो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड की जो फैसिलिटी है उसमें ये एयरक्राफ्ट बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, बनाने के लिए और क्या चाहिए होगा, ताकि उसको वो सब डन हो गया कि हाँ करना है। ये सब शुरू हो गया। ठीक, आगे बढ़े। अब आगे बढ़ के 2014 में सरकार बदल गई। ठीक। 2012 से 2014 के बीच में कुछ निटिग्रिटीज टेक्निकल ऐसी थी कि जिसके कारण डसॉल्ट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस में हाँ। और डसॉल्ट में आपस में वो फाइनल नहीं हो पा रहा। मतलब दो साल फाइनल क्या नहीं हो रहा? सौदा तो तय था। सौदा तय था, साइन नहीं हो पा रहा था। साइन नहीं हो पा रहा था। डील जो है वो अंतिम रूप में नहीं पहुंच पा रहा था। इधर जो है 2012 से 2014 तक जो है मामले खुलने शुरू हुए। कोलगेट स्कैम आ गया, 2G स्कैम आ गया, इसी टाइम पे आया। पर 2G स्कैम में तो बवाल हो गया। राफेल डील आपका 2G स्कैम जैसा है? नहीं, मैं तो यहाँ तक कल्पना कर रहा हूँ जिसे आपने अभी हाल कहा था कि ये हो सकता है बोफोर्स हो। नहीं, बोफोर्स तो सरकार खा गया। नहीं, वो तो कमीशन का था। यहाँ भाजपा के ऊपर आप ये इल्जाम नहीं लगा सकते। नहीं, बात कमीशन की नहीं है, बात है इल्जाम की। इल्जाम में कितना वजन है नहीं, और पब्लिक उसे कितना एक्सेप्ट कर पा रही है? नहीं नहीं मोदी जी, डिफरेंस है। राफेल डील में एक पैसे का आदान प्रदान नहीं हुआ है। एक कंपनी को फायदा पहुंचाने का आरोप तो है। अभी फायदा मिला भी नहीं। नहीं मिला वो तो कहने बोफोर्स से राफेल इस मामले में थोड़ा सा हाँ, वहां मिल चुका था ऐसा कहा जाता है। वहां मिल चुकने के बाद वहां करप्शन का इवेंट हो चुका है। यहाँ अभी होना है, अभी होना है। ये भविष्य में हो सकने की संभावना के ऊपर आज हम ये राफेल के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, ओके। इसमें अपन उस सेंस में ठीक भाजपा सरकार के ऊपर अभी लीगल, आज ये मामला केस कोर्ट में केस के तौर पे चला जाएगा। ठीक है। तो लीगल हिसाब से अभी सरकार के ऊपर कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। मामला कहाँ है? वो मोरालिटी में है कि आपने किसी को फायदा पहुंचाने का प्रयास किया। हाँ, ये इसीलिए मैं इसको बोफोर्स की तुलना में 2G से ज्यादा लिंक कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। क्यों? 2G में क्या कहा गया था? 1,76,000 करोड़ रुपए का स्कैम है। बिल्कुल, यही कहा गया। बिल्कुल। यहाँ क्या कहा जा रहा है? यहाँ ये कहा जा रहा है कि 54,000 करोड़ रुपए में आप 126 एयरक्राफ्ट खरीद रहे थे, 56,000 करोड़ रुपए में आपने 36 एयरक्राफ्ट खरीदा है। हाँ, तो ये सौदे में अंतर आया। बिल्कुल ठीक है कि नहीं? बिल्कुल। दूसरा, साथ के साथ आप एक ऐसे कंपनी को लेकर के आ रहे हैं जो जुम्मा अभी कुछ दिन हुए कंपनी बनी है। उस हाउस, उस कॉरपोरेट हाउस के जितने बिजनेसेस हैं वो सारे के सारे एक तरीके से फ्लॉप हैं। ठीक। 40,000-50,000 करोड़ रुपए का रिलायंस ग्रुप के ऊपर, जो अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप है उनके ऊपर कर्जा है बैंकों का, अलग अलग बैंकों का। ठीक।
डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग तो छोड़ दीजिए, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग में 1% एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ, इस लाइन में तो अभी कोई एक्सपीरियंस है ही नहीं। जब ऐसी सिचुएशन है और हमने हम पप्पू शुक्ला आपको ये बताए कि आज हम मुद्रा में चले जाएं, मुद्रा लोन मिल रहा है। हाँ, मिल रहा है। मुद्रा लोन में जाकर के हम बोले हम पप्पू शुक्ला बोल रहे हैं, हमको कुछ नहीं आता है, हमने कुछ नहीं बनाया आज तक, आज से हम पकौड़ा बनाएंगे, उसके लिए हमको एक बिजनेस शुरू करना है, हमको 50,000 रुपए का लोन दीजिए, दे देगी मुद्रा मुझे लोन? नहीं देगी ना। नहीं, तो जब 50,000 रुपए का लोन मुद्रा मुझे नहीं देगा, हाँ तो ये तो फिर तो रिलायंस धीरू भाई अंबानी को 27,000-30,000 करोड़ रुपए का फायदा क्यों? अगर उनको दिया जा सकता है तो भाई हमें कांटे लग रहे हैं। हाँ, तो मतलब बात वही आ रही है ना कि तो अब ये राफेल जा कहाँ रहा है? हाँ, तो मैं राफेल जा कहाँ रहा है? तो अब मैं आ रहा हूँ 2G मामले में क्या हुआ, थोड़ा सा मूव कर रहा हूँ राफेल से। 2G मामले में क्या हो रहा है भैया, रिकॉर्ड भी कर रहे हो भैया? हो रहा है ना, हो रहा है ना, ऐसा तो नहीं हमें खाली कैमरा नहीं, नहीं, नहीं हो रहा है, हो रहा है। आप तनिक पानी पी लीजिए। छोड़ना ही, हाँ पानी पी लो आप। नहीं, हम थोड़ा सा रफेल से मूव करेंगे, थोड़ा 2G के ऊपर। मेरा भी आपसे रिक्वेस्ट है, आप इंक थकी रहे। हाँ चलिए, पानी तो पी रहे हैं। हाँ ठीक ठीक, पानी है, पानी है। आपको कैसे पता है इसमें कुछ मिला नहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं आश्वस्त हूँ। अच्छा। हाँ, तो ये राफेल अब कहाँ जा रहा है? राफेल को जाने से पहले 2G पे। हाँ, 2G। अब 2G में क्या हुआ, 1,76,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। हाँ, स्पेक्ट्रम के आवंटन में जो है दिक्कतें आई, लोगों को जो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे उसको जो है दे दिया गया। हाँ, भारत सरकार को जितना रेवेन्यू उससे मिलना चाहिए था वो नहीं मिला पाया। यही था सारा का सारा, यही था, यही गुना घटाओ। 2014 में सरकार बदल गई, बिल्कुल बदल गई सरकार, वो बन गई वो पार्टी जिसने ये सारे के सारे इल्जाम लगाए थे, सारे लगाए थे। सीबीआई के कोर्ट में केस चल रहा है, सीबीआई कोर्ट में जस्टिस साहब ने अभी कुछ महीनों पहले जी ये बयान दिया कि इतने सालों से मैं यहाँ पे बैठकर रोज सुबह से लेके शाम तक बैठकर इंतजार करता रहा हूं कि कोई आकर मुझे कोई प्रूफ एविडेंस कोई सबूत 2G में दे दे कि घोटाला हुआ, कि घोटाला हुआ। अच्छा अच्छा, मतलब मामला चल रहा है और घोटाले कोई एविडेंस अभी, कोई एविडेंस कुछ भी, जितना मीडिया में चला, लोगों ने इधर गरियाया, लोगों ने उधर डपटा। अच्छा अच्छा, इतना सब कुछ हो गया, पूरी पूरी सरकार चली गई भाई साहब एक तरीके से। आप देखिए, गोला पार निकली चुहिया, चुहिया भी नहीं निकली। हाँ, चुहिया भी निकली यहाँ तो मतलब आप इसका मतलब ये तो नहीं कहना चाह रहे कि राफेल में भी ये होने वाला है? राफेल में ऑलमोस्ट ऐसा ही है, लेकिन आने वाले समय में यहाँ पे थोड़ा सा मामला आगे बढ़ चुका है। अच्छा, तो 2G से सिमिलैरिटी ये है कि क्या 2G की तरह या बोफोर्स की तरह मौजूदा सरकार 2019 में जो चुनाव लड़ने जा रही है, क्या उसका वही हश्र होने वाला है? ये अब देखना पड़ेगा। कुल मिला के हाँ, हम ये मान लें कि ये एक पॉलिटिकल स्टैंड है, इसके हम प्रोपेगेंडा ही बोल सकते हैं। नहीं, प्रोपेगेंडा तो होगा भाई, टिट फॉर टैट है ना। भाजपा सरकार, भाजपा सरकार बनने से पहले भाजपा ने इस तरीके के कई इल्जाम लगाए हैं। हाँ, लगाए। तो जो ऑपोजिशन है, मतलब स्कैम, हाँ, इसके विरोधी सरकार बिल्कुल हम देंगे, शायद यही संकल्प लेके ये आए थे। बिल्कुल। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी, और मुझे विश्वास नहीं है कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री रैंक पे कोई आदमी जाकर के इतनी तुच्छ चीजों में वो इन्वॉल्व होगा, ये मेरा विश्वास है। ऐसा नहीं हो सकता है कम से कम। अच्छा, मतलब आज भी समाज हमारा इतना करप्ट नहीं हुआ है। अच्छा, कि ऐसे शीर्ष पदों पर पहुंचने वाले ऐसी तुच्छ चीजों में इन्वॉल्व होंगे, ये पप्पू शुक्ला का विश्वास है। मतलब पप्पू शुक्ला ये मानता है कि ये इन तुच्छ चीजों में नहीं हो सकते, जबकि सारे शीर्ष लोग इस तुच्छ आरोप में निपटे हैं। नहीं, आरोप एक अलग चीज है ना। हाँ, वही मेरा मतलब है। लेकिन इतनी विडम्बना है लोकतंत्र की, बिल्कुल कि आरोप तुच्छ लगे, उनको बिल्कुल एकदम दूषित कर दिया गया मीडिया द्वारा, मीडिया ट्रायल जिसे बोलेंगे हम। और जब मामले अदालत में गए, जब वास्तविकता के धरातल पर आए, तो पता पड़ा कि कुछ नहीं निकला, कुछ नहीं निकला। बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। हमारे मुख्यमंत्री के ऊपर व्यापम लगा हुआ है। हाँ, बिल्कुल व्यापम लगा हुआ। अभी कल फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जो है कोर्ट में भी गए। हाँ, बिल्कुल गए। हाँ, पप्पू शुक्ला का दिल अंदर से ये कहता है कि आदमी कोई भी हो, कैसा भी हो, मुख्यमंत्री के पोजीशन पे आकर वो ऐसे 2-4-5 लाख रुपए के रिश्वत इधर उधर से लेने में उसको कोई जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, जरूरत है भी नहीं।
तो मतलब आप इसको लिमिट बना रहे हैं शायद। हाँ हम ये लिमिट हम ये कह रहे हैं कि इससे ऊपर होना चाहिए सीएम को। हाँ है ना, इससे ऊपर। अच्छा अच्छा, हम बेसिकली अगर आप करप्शन कर भी रहे हो महाराज तो एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। अरे महाराज मतलब आपके पास इतना स्कोप है आप तो ऐसा करप्शन कर सकते हो कि किसी को कानों कान कभी पता ही ना चले। रिलायंस जैसे फायदा पहुंचाने वाला अभी जो खबरों में नहीं, ये भी मूर्खता हुई है यहाँ तो बिल्कुल, ये तो निपट मूर्खता हुई है। अच्छा अच्छा अच्छा, है ना, अगर अगर इसमें सच्चाई है तो। अच्छा अच्छा हाँ ठीक ठीक, अब हमें नहीं पता कि इसमें क्या है। अब अच्छा, वो तो अब डिफेंस मिनिस्ट्री में है, अब डिफेंस मिनिस्ट्री का डॉक्यूमेंट है, जब तक वो आप नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन हाँ एक दो बातें जरूर है कि कुछ न कुछ लैप्सेस है, ऐसा प्रोसीड्यूरल लैप्सेस है। अच्छा अच्छा, डिफेंस प्रोक्योरमेंट का फायदा कांग्रेस उठाने का प्रयास कर रही है, करेगी, वो तो उसका अधिकार है। हाँ, अगर अगर जिस चीज के कारण उसको नुकसान हुआ है और जिसने उसको नुकसान पहुंचाया है, ठीक ठीक, उसको अगर मौका मिलेगा हाँ, तो क्यों नहीं करेगा। बिल्कुल बिल्कुल करेगा। तो कांग्रेस मतलब कुल मिला के आज बदले नहीं, सिर्फ सिर्फ कांग्रेस नहीं, आप यहाँ हल्के में मत लीजिए, सिर्फ कांग्रेस नहीं, ये मामला जैसे जैसे बढ़ेगा ममता बनर्जी बंगाल महागठबंधन हो चाहे नहीं हो, अच्छा सभी घेरेंगे, लेकिन मोदी जी को और भाजपा को इससे अच्छा घेरने का मौका इन लोगों को तो नहीं मिलेगा भाई साहब। तो कुल मिला के चाहे वो मायावती जी हो, अच्छा वो नहीं छोड़ेंगी, बिल्कुल ठीक, ममता बनर्जी नहीं छोड़ेंगी, नहीं छोड़ेंगी, अरविंद केजरीवाल को आप हल्के में ले रहे हैं अभी जो चुनाव जरा आ रहे तो दीजिए, वो तो काम ही नहीं कर पा रहा, तो जो काम कर पाएगा वो तो करेगा। सही है, और ये काम तो उनसे अच्छा तो कोई नहीं कर सकता। हिट एंड रन पॉलिसी में तो उनका तो कोई जवाब नहीं है। केजरीवाल इस बारे में ठीक है, मास्टर है। और राहुल गांधी मेहनत कर ही रहे हैं, बाबा रामदेव ने भी कहा कि बहुत मेहनत कर रहे हैं आजकल राहुल गांधी। इस तरीके के सारे, अच्छा दूसरे भाजपा के अंदर की भी बात बताऊंगा, पप्पू शुक्ला की तो मुलाकातें होती रहती। अच्छा अंदर बताओ कुछ अंदर की बात, तो ये है भाजपा में बहुत सारे लोग चुप बैठे हुए हैं अभी कि भाई साहब अब ठीक है, अब डंडा आपके हाथ में, जिसकी लाठी उसकी भैंस। मतलब आप अडवाणी जी की बात कर रहे हैं या मुरली मनोहर जोशी की? हम उस इतने बड़े लेवल पे तो हम नहीं जाते हैं, यशवंत सिन्हा या शत्रुघ्न सिन्हा के लेवल पर। अरे वो भी बहुत बड़े लोग हैं भाई साहब, हम तो ये कह रहे हैं भोपाल में चाय की चुस्कियों में भाजपा के वो कार्यकर्ता जो खादी पहन रहे हैं, जो आ रहे हैं जा रहे हैं, और जिनको ऐसा लग रहा है कि शायद पार्षदी का भी टिकट मिल जाए शायद हमें, अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब तो वहां से आपको आउटपुट मिल रही है, तो वहां जो चर्चाएं चल रही हैं, अच्छा उसके आधार पे, उसके आधार पे ये लग रहा है कि भाई साहब मतलब कहने को है हम राजनीति में मतलब, लेकिन सारी राजनीति तो जो है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के ऑफिस तक आते आते खत्म हो जा रही है, इसके बाद तो नीचे कछु है ही नहीं। तो ये है पप्पू शुक्ला जी? नहीं, लेकिन राफेल तो कंप्लीट ही नहीं हुआ। नहीं हुआ अभी, कहाँ कंप्लीट हुआ? अरे हम तो सोच रहे थे आप बिल्कुल आप टेबल पे आ गए, तो आप तो हमको भगाना चाह रहे हैं। नहीं नहीं, भगाने नहीं चाह रहे हैं हम आपको, दरअसल क्या है कि डायरेक्टर पीछे से कुछ नहीं, आप डर रहे, हमने अंदर की बात बता दिया। नहीं डर नहीं रहे, डर अब बताइए अब आप क्या राफेल, अब इसको आप तो हम कंक्लूड कर देते हैं उसको। हाँ बताइए, राफेल में बेसिकली दो तीन लांछन है। एक प्रोसीड्यूरल लैप्सेस है, ठीक है, डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी को फॉलो नहीं किया गया। ऐसा कैसे? कायदे से डिफेंस मिनिस्टर अधिकृत है ये सुनिश्चित करने के लिए कि वो पार्टनर कौन होगा, उसका निरीक्षण मूल्यांकन साइन करने का अधिकार डिफेंस मिनिस्टर को है। ठीक है, इस केस में क्या हो रहा है आपको पता है? डिफेंस डील आज ही साइन हुई थी राफेल वाली, और ये बबन पहले खड़ा हो गया। हाँ, 23 सितंबर 2016 को ये डील साइन की गई थी, आज 23 सितंबर 2018 है। तो अपन क्या माने इसे, इसे स्मरण दिवस है, ये संयोग है, संयोग है, और ये बड़ा संयोग है। और राफेल डील में क्वेश्चन क्या क्या उठ रहे हैं, हाँ। कि भाई डिफेंस मिनिस्टर को पता ही नहीं, जिस वक्त ये डील साइन हो रहा था डिफेंस मिनिस्टर कहीं छुट्टी मना रहे थे। अरे वाह, क्या प्रधानमंत्री का पीएम ऑफिस को इससे कोई लेना देना ही नहीं है। अच्छा, पुरानी डील राफेल वाली जी तो जो थी 126 वाली, वो बाहर कैसे हो गई? अचानक से 36 राफेल खरीदा जाएगा, ये डील कैसे हो गया? आ कैसे गई? फायदा क्या है इसका? तो एक तरफ मुझे भी लगता है कि फायदा उसका एक तो ये है कि आज हमारा स्क्वाड्रन वीक है, हाँ। हमें
जल्दी से जल्दी फ्लाइट्स चाहिए, टू यूज फ्लाइट्स चाहिए। बिल्कुल, कुछ हमें जल्दी मिल जाए, कुछ हम बाद में उनको बना दे रहे हैं। 36 अब प्रधानमंत्री वहां पहुंचे होंगे, उन्होंने कहा यार प्रोसेस इतना लंबा प्रोसेस चल रहा है यार, एक काम करो तुम तो 36 दो, अभी पहले ये दो, ये दो इसको तो हम इस्तेमाल करें, बाकी की प्रक्रिया आगे चलती जाएगी। अब एक ये मंशा ऐसी हो सकती है, और ज्यादा मेरा मानना है कि ज्यादा चांस है कि यही मंशा रही होगी, लेकिन फिर भी निकल सकता, लेकिन फिर भी लोकतंत्र है, प्रोसीजर तो प्रोसीजर है। सही बात है कि नहीं, देश दुकान के जैसे नहीं चल सकता। तो फिर राहुल जी को चिल्ला रहे हैं, राहुल जी इसीलिए तो चिल्ला रहे हैं। राहुल जी का ये चिल्लाने का ये कहना है कि 126 रफेल 54,000 करोड़ में खरीदना था, 36 रफेल 56,000 करोड़ में आप खरीद रहे हैं। पहले डील में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होना था, नई डील में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं है। 6 स्क्वाड्रन की जरूरत है 2020-22 तक, ठीक है। 36 में 2 ही स्क्वाड्रन बन रहे हैं, यानी कि राहुल जी ये चिल्ला रहे हैं कि सुरक्षा को लेकर, राष्ट्रीय सुरक्षा के हिसाब से भी ये कॉम्प्रोमाइज है, और एक किसी को ऑब्लाइज करने। दूसरी तरफ डील को फाइनल करने का तौर तरीका गलत है, ठीक है। एक पॉइंट ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है, ये आप इसको नकार नहीं सकते, वो पॉइंट ये है कि अगर पुरानी डील खत्म की गई और नई डील अगर आप लेकर के आ रहे हो, तब आप टाइफून के ऊपर क्यों नहीं गए, क्योंकि टाइफून 20% रिडक्शन कर रहा था अपने चार्जेस में। ऐसा तो ये एक बड़ा मुद्दा यही है इसमें। तो अगर नई डील कर रहे हो तो आप उठाते ना, आप दोनों पार्टीज को उठा के बिठा देते कि भैया अब तो मैं नई डील करने जा रहा हूँ, टाइफून मुझे 20, पहले ये L2 थे, आज मुझे ये L1 नजर आ रहे हैं, आपस में बात करके देख लो, हम दोनों से खरीद लेंगे, हमारा क्या है, कुछ प्राइस से ले लेंगे। ये भी हो सकता था, ऐसा नहीं हुआ। दूसरा, प्रधानमंत्री की जी के साथ अनिल अंबानी, भैया तुम तो ये देख लो यार टाइम कितना बचाया, क्योंकि मामला लंबा जाएगा ये तो, बहुत टाइम है, आप तो चलने दीजिए पप्पू जी, क्योंकि यहाँ पे जूली भी इन्वॉल्व्ड है सर। ऐसा आप जूली को नजरअंदाज नहीं कर सकते, नहीं हमारे तो नॉलेज ही नहीं है ये नया करेक्टर। आप ये पूछो जूली कौन, हाँ तो वही करेक्टर है क्या, हाँ तो इसीलिए तो कह रहे हैं ये इतने छोटे में नहीं जाएगा, ये थोड़ा सा लंबा जाएगा। तो जूली को बाद में ले रहे तो नहीं, इसी खत्म कर देंगे तो जूली, हाँ तो प्रधानमंत्री जी फ्रांस गए, पेरिस गए, उनके डेलीगेशन में अनिल अंबानी भी गए, ठीक है, गए वहां है। उसके बाद सुनने में ये आया कि जूली नामक महिला जो है फ्रांस के उस वक्त जो प्रेसिडेंट थे उनकी गर्लफ्रेंड थी। अरे अब भाई फ्रांस सवर्ण देश है, सही सवर्ण देश है, हाँ बिल्कुल सवर्ण देश है, और क्या, हर लिहाज से सवर्ण देश है। वहां पे आपका नेता कि उसकी वाइफ है कि उसकी गर्लफ्रेंड है, उसके पर्सनल प्रेफरेंसेस क्या है, लोगों को इस बात से फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ कोई बता दे हमारी गर्लफ्रेंड है, मतलब अभी हमारे सवर्ण होने में गुंजाइश, मानसिक तौर पे तो अभी हमें बहुत टाइम लगने वाला है ना। तो गर्लफ्रेंड जो है जूली, उसमें ये निकला कि रिलायंस एंटरटेनमेंट उस ऐसी फिल्म में पैसा लगाया है, को प्रोड्यूसर बने हैं, जिसमें जूली काम कर रही थी। अरे वाह, वेरी गुड, ये नई चीज है, ये नई चीज है, और ये एलिगेशन है। अच्छा, ये एलिगेशन है, ये एलिगेशन है, अब एलिगेशन तो है, अब एलिगेशन है, अब जब तक वो फाइनल नहीं होता है तब तक तो वो एलिगेशन है, क्योंकि वो फोर्स भी एलिगेशन पे चला ना, 87 से लेकर के अभी तक, ऑगस्टा वेस्टलैंड भी उसी के ऊपर चला, उसी पे था वो वाला जो तहलका जो कांड था, वो भी एलिगेशन के, सब तो एलिगेशन पे ही चल रहा है, तो एलिगेशन ही आज, सर पावर में एलिगेशन ही ज्यादा है भाई। एयर चीफ केसी त्यागी को आपने एक तरीके से बर्बाद कर दिया ना, बिल्कुल एलिगेशन को, एलिगेशन लगा करके, बिल्कुल सही बात, और निकला कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो वैसी एलिगेशन इसके ऊपर भी है कि भाई आपने जूली के प्रोजेक्ट में आपने पैसा लगाया, अच्छा, उसके एवज में जूली ने आपको, जूली ने ये सुनिश्चित करवाया या कोई ना कोई मदद करवाई कि डेसॉल्ट के साथ आपका कुछ ना कुछ, हाँ, एक सेटिंग प्लॉटिंग सेटिंग हो जाए, बन जाएगी, इस तरीके से लिंक किया जा रहा। अच्छा, तो इसमें सरकार कहां से आ रही, भारत की सरकार, भाई तो मैं बता रहा हूँ लीगल टर्म्स में तो नहीं आ रही सरकार, नहीं आ रही ना, लेकिन अगर अनिल अंबानी बगैर किसी एक्सपीरियंस के जा सकते हैं उनके साथ फ्रांस, तो मोदी जी पप्पू शुक्ला क्यों नहीं जा सकता, तो आपकी अंबानी की तो सेटिंग है, आपकी सेटिंग नहीं है, तो सरकार का काम सेटिंग करना है,
श्रद्धेगा ना बरही ना हो तो यही तो आप यही तो आरोप है। हाँ बस बस यही कह लो आप कि एक आम आदमी और एक संभ्रांत जिसे कहते हैं उसमें काफी अंतर है। नहीं नहीं आप प्रधानमंत्री हो यार। हाँ। आपके डिफेंस मिनिस्टर को नहीं पता, आपके फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर्स को नहीं पता, सेक्रेटरीज को नहीं पता, सबको लग रहा है कि जो पहले वाली डील थी वही एज इट इज चल रही है। ठीक है, दूसरा आरोप आखिरी आरोप जो है वो ये है कि प्राइस राइज हुआ क्यों है। हाँ ये आश्चर्य की बात, दुगने से ज्यादा ऐसा नहीं, दुगने से ज्यादा है। हाँ हाँ तीन गुने के ऊपर बता रहे हैं। हाँ, मतलब बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। पप्पू शुक्ला ने जो पढ़ा है उसके हिसाब से पहले जो डील थी 91 मिलियन यूरो यानी कि कुछ 550-600 करोड़ के आसपास में, 600 करोड़ के आसपास आ रहा है एक विमान 600 करोड़ के आसपास में आ रहा है। वो कौन सा विमान है? वो फ्लाई करेगा लेकिन अभी उसमें वो नहीं लगे हुए हैं वेपन सिस्टम अभी। अच्छा, वेपन नहीं लगा उसमें, नहीं है वो, सिर्फ विमान है अभी, फाइटर विमान नहीं है वो। हाँ विमान है। अच्छा सब कुछ है उसमें। अच्छा लेकिन उसमें वेपन सिस्टम नहीं लगा। ठीक ठीक है। अब उसमें कहा गया कि उस वक्त जब डील हुई थी तो उस वक्त यूरो का रुपए के तुलना में रेट ये था आज ये है। अच्छा, तब इन्फ्लेशन ये था आज ये है। अब ये सब बकवास की बात है। हाँ हाँ। इसलिए क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि 139 मिलियन यूरो का आज एक प्लेन पड़ रहा है, तो 91 मिलियन यूरो 139 मिलियन यूरो ये कुछ 40-50 मिलियन यूरो का एक डिफरेंस आ रहा है। ये 40-50 मिलियन यूरो का डिफरेंस क्यों आ रहा है? सरकार क्या कह रही है कि हमने कुछ इंडिया स्पेसिफिक उसमें इनोवेशंस करवाए हैं इसलिए आ रहा है। अच्छा। तो प्रश्न उठा वो इंडिया स्पेसिफिक इनोवेशंस क्या हैं? तो बोले नहीं जी ये सीक्रेट है। तो ये सीक्रेट नहीं है साहब, ये सीक्रेट नहीं है साहब, क्योंकि वो जितने स्पेसिफिकेशंस हैं वो सारे के सारे पुराने डील में ऑलरेडी लॉक समाहित है। अच्छा लॉक है उसमें, वो लॉक समाहित भी है उसमें, लॉक भी है। हाँ तो 1107 करोड़ में एक प्लेन नया आ रहा है ठीक, और 600-650 करोड़ के आसपास पुराना प्लेन आ रहा था। अब हर एक प्लेन में अगर आप उसके इक्विपमेंट लगा देंगे वॉरहेड्स वगैरह तो आपका वो आ जाएगा करीब 500 करोड़ का एक प्लेन के ऊपर, और तो वो करीब 1600 करोड़ का एक प्लेन जा रहा है जो कि नॉर्मल मीडिया में चल रहा है। लेकिन डील के हिसाब से वो 500 तो पहले वाले में भी लगना था, 500 दूसरे वाले में भी लगना है, तो बेसिकली डिफरेंस 400-500 करोड़ का पर प्लेन का डिफरेंस है। और एलिगेशन ये है कि वो रिलायंस धीरूभाई अंबानी ग्रुप को उसमें से फायदा दिया जा सकता है। अभी क्रेडिट उन्होंने भी क्लेम नहीं किया है, नहीं किया, पैसा ट्रांसफर कहीं हुआ नहीं है, नहीं है। तो अभी कायदे से कोई करप्शन हुआ नहीं है। सरकार के ऊपर जो है आप राष्ट्रवादी, आप क्लीन छवि के, आगे पीछे नहीं आपके कोई। हाँ। आपको कोई आवश्यकता नहीं किसी को फायदा पहुंचाने की। ये सारी बातें होने के बावजूद भी अनिल धीरूभाई अंबानी बगैर एक्सपीरियंस के, बगैर कोई बैकग्राउंड के, इतनी बड़ी डील आपके डेलीगेशन में जा रहे हैं। नहीं वो तो डसॉल्ट के साथ उनकी डील फाइनल हो रही है। मेन यही है, मेन यही है कि क्षेत्रीय डील है वो, सुरक्षा संबंधी। दूसरा, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड अचानक से गायब, क्योंकि कुछ बनने की बात ही नहीं हो रही है। जब बन ही नहीं रहा है कुछ, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड आकर के करेगा क्या उसमें? सही है। तो गंभीर आरोप तो हैं, आरोप हैं, और ये आरोप जाएंगे लंबे। अच्छा अच्छा। लेकिन नुकसान इसमें किसका हो रहा है? इंडियन एयरफोर्स का नुकसान हो रहा है। ठीक ठीक। क्योंकि तो सरकार का भी है। नहीं सरकार का क्या, सरकार कौन पार्टियां चला रही है? हाँ पार्टी चला रही है, फिर भी एक मोदी जी, हम बताएं आपको एलिगेशन जो होता है, हम जनता हैं, सरकार को नष्ट कर देता है, उसे कहीं का नहीं छोड़ता। नहीं मोदी जी, हम जनता हैं। अच्छा आप जनता हो तो आप भी जनता हैं, हम भी जनता हैं, बिल्कुल ठीक है। हमारे लिए जब उचित लगेगा हम भाजपा को वोट देंगे, हमारे लिए जब उचित लगेगा हम कांग्रेस को वोट देंगे, बिल्कुल। हमारे लिए जब उचित लगेगा हम मायावती जी को वोट देंगे, और हमारे लिए जब उचित नहीं लगेगा हम नोटा दबा देंगे। चलिए, हम तो किसी के परिवार के नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन बिल्कुल जो पार्टी परिवार सरकार चला रही है, हाँ, वो अगर ठीक से काम नहीं करेगी, एलिगेशंस लगेंगे उसके ऊपर, और उस एलिगेशन के आधार पे आप बाहर भी होंगे। हाँ ये अभी तक का अनुभव तो यही कहता है, और आने वाले टाइम पे आप बाहर होते हैं या नहीं, अब ये तो
जनता बताएगी, जनता तय करेगी। पप्पू शुक्ला को इसके बारे में कुछ नहीं पता। फिर ठीक है डायरेक्टर साहब, ये अपने पप्पू शुक्ला जी का आज का आपने देखा, और सभी समय जगत के जो दर्शक हैं, जो श्रोता हैं, जो पाठक हैं, वो भी इस चीज को देख रहे हैं। पप्पू शुक्ला जी आते रहेंगे, और ये करेक्टर ऐसा है कि नहीं भी बुलाओगे तो भी पप्पू शुक्ला कई बार हमारी बातचीत में आएंगे, और अपनी जो उनकी काबिलियत है, चाय की गुमटी से, सब्जी वाले के ठेले से, ये जो चीजों को निकाल के आम आदमी के मन की बात जो निकाल के लाते हैं, ये समय जगत के माध्यम से हमारे पाठकों तक, श्रोताओं तक, दर्शकों तक पहुंचती रहेगी, और आप लगातार संपर्क में हमारे बने रहेंगे इन कामनाओं के साथ। और आप सभी ताजा खबरों के लिए और इस प्रकार की एक विचारोत्तेजक दिलचस्प चर्चाओं के लिए देखते रहिए समय जगत। देश और दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए बने रहिए खबर समय जगत के साथ।